लखीमपुर खीरी मामले पर विपक्ष की ओर से संसद में बहस और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग लगातार जारी है। इन्हीं मांगों को देखते हुए विपक्ष ने आज फिर पैदल मार्च निकाला। विपक्ष के इस पैदल मार्च में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने किसानों से माफी मांग ली है, लेकिन अपने मंत्री को नहीं हटा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसमें पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। तो वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल और प्रियंका का आभार, अगर इन दोनों ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो उसी रात इसको रफा दफा कर दिया होता। मैं राहुल जी का और प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, उस वक्त रात को आप वहां नहीं पहुंचे होते तो उसी दिन रात को ये पूरा मामला हत्या का रफा दफा किया होता। इसलिए मैं सभी अपोजिशन के तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि अब तो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है, कब हटाओगे अपने गृह मंत्री को? गृह मंत्री सुरक्षा रक्षक होता है देश का, वो गृह मंत्री के बेटे पर आरोप है, उसको एसआईटी ने कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, तब भी उनको नहीं हटाया जा रहा है। हमारा सवाल है सरकार से, कब हटाओगे गृह मंत्री को आप, कब राजीनामा लोगे उनका? तो वहीं टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा टेनी, उसको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। साथ साथ वो बाप बेटे दोनों जुड़ी हुई है, क्योंकि अजय मिश्रा जी के गाड़ी से उनका बेटा गाड़ी से कुचल के मारा जर्नलिस्ट को और आम किसानों को, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में हम गुजारिश करेंगे, उसको पनिशमेंट भी दिया जाए, जेल कस्टडी के साथ और भी पनिशमेंट दिया जाए। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है और इस मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी बाधित रही है।